दोस्तों, मेरा नाम है रियाल और आप देख रहे हैं रियल टेक का 11th एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं, पर एक मिनट, ये लाइट बहुत ही कम नहीं लग रही है और ये बहुत ही पुरानी भी लग रही है। ये लाइट ही नहीं चाहिए, ये बल्ब बहुत पुराना हो गया है। ओ भैया, ये बल्ब लो और दूसरा बल्ब दो, ये क्या दिए आपने? तो भैया, आज के जमाने का बल्ब दो, ये क्या दिया है आपने? 2020 चल रहा है, थोड़ा स्मार्ट बल्ब दो। So, ये है स्मार्ट बल्ब गार्नेट, जो कि विप्रो की तरफ से है। और ये बल्ब के अंदर चार बड़ी खासियत है। तो ये बल्ब जो है दोस्तों, ये एक स्मार्ट बल्ब है जो है आपको वाईफाई के बेसिस पे चलेगा। आप जो है इसकी जो लाइट क्वालिटी को है एडजस्ट कर सकते हो, कूल वार्म जैसा आपको चाहिए। ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं आप 0, 10 to 100। आप इसके अंदर स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपको कब लाइट बंद करनी है ऑटोमेटिकली। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों, ये अपना गूगल चलाता है। जैसे कि ओके गूगल बोलने पे ये बंद भी हो सकता है और ओके गूगल बोलने पे ये चालू भी हो जाता है। तो वो भी करके दिखाएंगे आपको, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इस बल्ब को यहाँ पे स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चेक करते हैं इस बल्ब के खासियत क्या है। तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ये जो ऐप है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, आपको जो है इस ऐप के अंदर रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करते ही दोस्तों, आपको जो है इसके अंदर सेटिंग्स अवेलेबल होगी, फिर आप अपने मोबाइल से आपके बल्ब को कनेक्ट कर सकोगे। तो आइए हम पहले इंस्टॉल कर देते हैं इस ऐप को। आइए ओपन कर रहे हैं इस ऐप को। आप देखोगे जैसे ही मैंने ओपन किया है, मुझे पूछ रहा है रजिस्टर का और लॉगिन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कर दूंगा, अग्री कर दूंगा। मुझे जो है इंडिया सिलेक्ट करना है और अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे ही मैंने ईमेल आईडी डाल दी है दोस्तों, तो मुझे है एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, मुझे उसे ले लेना है अपनी। जैसे ही आपने डाल दिया दोस्तों वो कोड, आपको उसके बाद में जो है पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड भी सेट कर दीजिए। पासवर्ड सेट होते ही दोस्तों, आपको जो है ऑटो स्टार्ट रिमाइंडर वगैरह आने लगेगा। तो आपको जो है आपके सेटिंग में जा करके आप उसे ऑन कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों जो है ऐड डिवाइस करना है। ऐड डिवाइस करने के बाद आपको जो है एक लाइटनिंग जो बल्ब होता है, जो कि आप वाईफाई से सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है आपका बल्ब जो है ऑन करना है। उसके बाद में डिवाइस कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बल्ब पे डन करके आ गया, आप इसे डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करेंगे, ये जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। और आप जो है इसे यूज कर पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे जो है यूज कर सकते हैं। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, आप इसे ऑन कर सकते हैं। जो ब्राइटनेस लेवल है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप, और जो इसकी जो कूलनेस है वो भी आप कर सकते हैं कंट्रोल। ऐसे आप जो है इसके अंदर मोड दिए हुए हैं, आप उस मोड को भी चेंज कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। सो दोस्तों, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है। मैंने तो आपको ऑन ऑफ दोनों करके बताया है। सो ये जो है मुझे 450 में मिला था अमेजोन की तरफ से, और जो है ये आप परचेस कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डील्स चलती रहती है दोस्तों। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है डिटेल, आप जाके परचेस कीजिए। कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा, और अगर आपको इससे अच्छा कोई ऑप्शन बताए तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।